सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे कहे, वेलकम छो, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो कमेंट में अपना हाल बताइए, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे सारे। तो गाइस मैं बता देता हूँ, अभी टाइम हो रहेगा समथिंग शायद 10 बज रहे होंगे। बिकॉज मैंने अभी नहीं, बहुत पहले देखा था, तो मैं 9:15 बजे उठा था। उसके बाद मैंने टूथब्रश किया एंड चाय का वेट किया, क्योंकि सारी जितनी चाय बनी थी, मतलब एक बार दो बार बनी थी, वो सारे पहले पी चुके थे, मैं उठा नहीं था, तो मेरे लिए बनी। आई थिंक 10 बज गए होंगे, अभी इतनी देर में टाइम लग गया, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और वेट के साथ साथ बता देता हूँ, ये मैं लेके आया ना उसके दूसरे दिन, जैसे कि आज आई थिंक कल ही तो लेके आया होगा, परसों लेके आया था, सॉरी दूसरे कल ही मेरे को बता दिया कि वापस वहीं पे ढाल के आना है। और धक्के मार के परेशान हो गया, हाथ दुखने लगा, एक हाथ से लेके आया तो एक हाथ पहले ख़राब हो गया था, ऐसी हालत थी। अब दोबारा वहीं पर ढाल के आना है, इससे देखता हूँ। भाई को बोला तो है, वो बाइक पर डाल के आ जाएंगे, अगर बाइक पर नहीं डाल के आएंगे तो भाई मेरी ये तुम्मत रहेगी, रहमान रहेगी, समझ रहे हो, मेरी दिक्कत रहेगी, मेरे को डाल के आना, फिर कोई बंदा मिलेगा नहीं, तो ऐसे धक्के मार के। इस बार तो थोड़ा आगे डाल के आना है, उस दिन तो थोड़ा सा पीछे तो था, 100 मीटर अब किया और आगे डाल के आना है। हाँ चलो, चाय बन गई, चाय के लिए सपाट की मारेगी, ये सपाट की मारती, चाय पी ले तो जागे। तो पहले तो पीते हैं चाय और उसके बाद करते हैं व्लॉग। एक तो ये डाल के आना, एक बार अपने मार्केट भी जाके आना है। मस्सी बना दी है अम्मी ने, चाय के साथ साथ ये क्या रख दिया माने, इसमें क्या है पता नहीं, बाजरा भी नहीं है यार, गेहूँ भी नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है। देखो क्या हो सकता है, गेहूँ है, छोटी पीसी हुई गेहूँ, ख़राब हुई, आई थिंक गेहूँ को साफ किया, उसमें कचरा निकला हुआ है, चिड़ियों के लिए बेस्ट रहेगा, वो खा लेंगे उनको। हम पीते हैं मस्त चाय। तो गाइस पहले तो मेरे को कपड़े, इनको फ्रेश करनी है कपड़ों। देखो जो गाड़ी पे गए थे ना उस दिन बोला था, और मैंने नहीं किया अभी तक, फिर मैं सुनने में लगी, इससे पहले बोल ले हम काम के लगे जाते अपने लेके। एंड गाइस कल जो रोड़ा चल रहा था ना कि ब्लफ 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 ब्लफ, वो ये ब्लफ है, इसको चेंज करा के लाना थी। ये देखो कितने तारीख को खरीदा, 8 तारीख, 12 महीने और 2 तारीख, 21, आई थिंक इसकी 1 साल की होगी, नहीं 6 महीने की होगी, लेकिन इसको ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना हुआ 8 तारीख को, देख लो इसको 3-4 दिन खराब हुई होगी, तो करा के लाएंगे चेंज, देखते हैं पापा करा लेते हैं, मैं करा लूँ, तो अभी तो करता हूँ मैं फ्रेश यार पहले। तो गाइस सबसे ज़्यादा मेरे को इरिटेट यही काम लगता है, मतलब फ्रेश करना यार, बहुत इरिटेट। इतनी देर में कोई दूसरा बंदा होता वो कम से कम 2-3 जोड़ी की फ्रेश आराम से करेगा, मेरे को 1.5 घंटे आराम से हो गई। पहले तो वो फ्रेश लगाई, फिर वो हटाई यार, वो उससे पता नहीं क्या होगा, उसमें मेरे को नहीं हो रही थी मेरे से, इस वजह से, इसलिए तो मैं समाए हुए कपड़े नहीं रखता, बस रेडीमेड लाता हूँ, पहनता हूँ, फाड़ जाते हैं छोड़ देते हैं, या फाड़ जाते हैं तो फैशन बना लेते हैं, उसकी पैंट पुरानी हो गई फट गई वो फैशन में आ जाएगी, इस वजह से। भाई एक जगह खड़ा रहना, जैसे यहाँ कमरे में एक के आधे आधे घंटे खड़ा रहना, भाई कसम मेरे को बहुत बहुत इरीटेट होता है। अभी पापा मेरे को बहुत टाइम पहले ही बोल के गए थे, लेकिन मैंने क्या किया, नहीं किया यार, मैं भूल जाता था, वरना कर तो देता, वो करने तो आज भी कल भी कर देता, पर भूल गया था। अब मेरे अंदर घबराहट सी हो रही है, कैसे अंदर मैं इरीटेट, मेरे को किसी ने जान बूझ के अंदर खड़ा कर रखा हो, मतलब ये बंद कर रखा होगा, मैं प्रेस किए बिना बाहर नहीं जा सकता, और खो मेरे से रही, मतलब फंसा हुआ हूँ भाई, बहुत इरिटेट कर रहा प्रेस करना। आके आधे घंटे भर होगी भाई, घंटे भर में कर दिया, और मेरी कमर इतनी ऐसे हो गई, क्योंकि हमारी वो पेटी है ना बड़ी वाली, संदूक बोलते हैं, पता ही यार सबको, उसके ऊपर करनी पड़ती है, तो उस वजह से दिक्कत हो गई यार, कमर दुखने लगी है। फिर अपने को वो टायर भी डाल के आना यार, बाईपास पे मार्केट भी जाके आना, काम बहुत सारे हैं, वो दोनों यहाँ पे हैं, उनको वो गाड़ी लेके जाएंगे, तो मैं यहाँ पे छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया राजेश कुमार को, देख लो ये बोल रहा मेरा ब्याह नहीं, शादी नहीं होगी मेरी, मैं व्लॉग जब भी स्टार्ट करता हूँ मेरे व्लॉग में ना ले, मेरे को व्लॉग में ना ले, तो लीला बना ले यार, ये व्लॉग में पक्का लूंगा, ठीक है मैं जाऊं बंद हो जाओ खेरी तरफ भाई, सामने सामने खेरी, तो ये दोनों गाड़ी लेके आ जाएंगे, और मैं मोटरसाइकिल लेके आऊँगा, और ये गाड़ी लेके निकलना, सर्दी में देखो मेरे को परेशान किया, देख लो एक बंदा मोटरसाइकिल लेके आता था और एक बंदा गाड़ी लेके आता, नहीं दोनों गाड़ी में आएंगे, तू बोलो मोटरसाइकिल लेके जा, थोड़ा मार्केट में और भी काम है, वो कोई 17-20 किलो अहमदाबाद गुजरात में आए हैं, वो लेके जाएंगे,
तो आराम से लेकर जाएंगे, मेरा काम चल गया। और यार मेरे को फिर भी आना, उखल वाला ब्लफ वाला बता रहा था ना, वो उसके लिए मार्केट में मेरे को दोबारा से आना। और यार चाबी कहाँ पे गई, चाबी है जेब में। ये लड़का यहाँ पे गिर गया यार, ये वास्तव में ये देखो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाऊंगा मैं, ये नाली नहीं आगे, ये वास्तव में बहुत चौड़ी है। बाइक के में हमेशा दिक्कत आती है, मैं पहले आता था ना एक दो बार, मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई, हम लोग गिर गए और बाइक भी स्टार्ट नहीं हुई, मंदिर भी जाके गया वहाँ पे काम करके गया, हम यहाँ पे खड़ी थी तब गिरा था, क्या दिक्कत हुई पता नहीं, देखते हैं जाके। मारो थे दोनों ना, मार दो से, हाँ हाँ मार मार मार, हाँ तू क्लच छोड़ दे, क्लच छोड़ दे, मार तो ले जा, मार तो ले जा। वो और हो गई मोटरसाइकिल, पता नहीं कब स्टार्ट होगी, हम चलते हैं घर। सब सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेके आया हूँ, एम उनको तो छोड़ दिया और मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी मतलब पनौती कर रहा हूँ, भगाओ मज़े ले रहा हूँ। अब गोप्रो था ना मतलब, तो भाई मोटो व्लॉगिंग करने का मज़ा ही लगा था, लेकिन मैं जल्दी जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ हेलमेट पे, मतलब गोप्रो तो रहने देंगे, तो मोबाइल से ही कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, जो कि देखते हैं कैसे, थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत है उसमें, उसके हिसाब से सेटिंग करते हैं, वो जल्दी सेट करेंगे। जैसे मैं मज़े ले रहा हूँ वैसे मोटरसाइकिल भगा हुआ, सुबह सुबह सर्दी हो रही है बस, मैं इसको मज़े लेने, तो इस वजह से मोटो व्लॉगिंग होते ना भाई कसम, और भी मज़ा आता मतलब व्लॉग करने का, लेकिन क्या करें अपने पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हेलमेट तो है, लेकिन हेलमेट ये आगे जो कैमरा सेटिंग करता है ना, वो जुगाड़ मैं जल्दी कर लूँगा, थोड़ी सी इनकम प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद जैसे होगी उसके बाद सेटिंग करेंगे वो सिस्टम, और मोटो व्लॉगिंग भाई और भी मज़ा आएगा करने में। साढ़े बारह मिनट है, ये लो भाई जहाँ मतलब आपके हाथ पे या कहीं पे हमारी मतलब मेरे साथ तो हमेशा ही होता है ऐसा, जैसे भी कहीं पे लगी हो ना वहाँ पे रिटर्न पक्का दो से तीन बार लगती है। अभी जस्ट बाइक लेके आया था तो आखली थोड़ी है ना मतलब गड्ढे थे उसमें बाइक पड़ी, पड़ते ही क्लच है ना वो यहाँ पे जो उंगली कटी हुई ना जो कि यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है वहीं पे लगी एकदम प्रॉपर, थोड़ा सा दर्द हो गया ठंड में यार। सर वो दोनों ये गाड़ी लेने गए थे और थोड़ा सा सामान भी लेके आए जो कि मेरे को उतारना है यार, इसमें इतना सारा सामान जो कि मैं बता रहा था ना गुजरात ये लेके जाना है, और थोड़ा सा अपने लिए किलो दो किलो अपने लिए लेके हैं, सो ये सारा घर लेके जाते हैं। निकी पकड़ यार, पकड़ व्हाट आर यू डूइंग मैन, दो पकड़, दो कर लेके जाओ घर ही लेके आना अपने, ठीक है की बैग अपना ही है, मैं ये भाई ये मैं लेके आ जाऊं, ठीक है इतना सारा सामान देनी तक पास कोई यार उनकी मतलब रिलेटिव खत्म हो गए हैं, सो वहां पे गाड़ी लेके जाएंगे। आ जा आ जा आ जा आजा जल्दी आ, एक बात बताऊं, जल्दी आ एक बात बताऊं, संतरा खाओगी आ जा तो संतरा खाऊं, अरे डोर छोड़ दे गई सकरात बाद में क्या करोगे, डोर को छोड़ दे आजा। ओह तेरी हो मेरी वाली चरखी भरी हुई है, तो मेरे लिए कौन भर सकूँ मैं, भाई बोल रहा है मेरे को व्लॉग में आने के लिए, भाई व्लॉग में आना चाहता है ये। सो आदेश सर ये सारे अंदर गाने सुन रहे थे, ठीक है ये गाड़ी देखो खुली पड़ी है, सो बाद में मैं सुनने लगा, अब मैं आदेश को बोल रहा हूँ आदेश अंदर जाके टेप बंद कर दे, तो चौचो जी खेलने दो मेरे को, दो क्या क्या रख रखे इसमें, दो लिपस्टिक वाला वो क्या है यार, ये नो है लिपस्टिक मेरे को पता भी नहीं, पानी इधर उधर कर रहा है, साइंटिस्ट बना हुआ पूरा, सीट साइड कर थोड़ा, साइंटिस्ट देख लो क्या पानी वानी पता नहीं क्या क्या गेम कर रहा है, अच्छा दुआई है ये, के साइड में वो क्या होते हैं नो पॉलिश का वो ब्रश वगैरह क्या है वो ले रखा है, देखो भाई देखो पूरा साइंटिस्ट बना हुआ, तीन शीशी खाली कर दी इसमें, अब इसमें डाल रहा है पता नहीं क्या कर रहा आदेश, क्या होगा आदेश इससे ये फेंक दी उनको, ये कहीं पिएगा तो नहीं ना, पता नहीं इसका क्या सीन है, क्या ढूंढ रहा है चूड़े भी रख रखे हैं दिखे हैं अंदर, ये दो सामान निकाल रहा धीरे धीरे, पता नहीं क्या बनाएगा इसका, ओ भाई साहब ले लो हाथ में, देखो छोटी सी अभी ये जो होती है नो पॉलिश वाली उसमें डाल रहा सारा, पहले इनमें डाला तीनों में, दो वो पड़ी और एक ये, अब उनमें इसमें डाल रहा था, वो कितनी छोटी है, दो ये देखो दिख रही हो तो ये देखो, पता नहीं क्या करेगा, मैं टेप बंद करता हूँ बिकॉज बहुत देर से चालू है। लो साइंटिस्ट ये कमाल देख लो, इसमें मिक्स कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है, भाई 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 डांट लियो इसको
वीडियो बना रहे तो वीडियो बना रहे हो, मोटरसाइकिल तो फिर भी निकली थी, वीडियो नहीं बनती तो नहीं निकलती है मोटरसाइकिल। बता ऐसी बात करते हैं मित्र यारगण। सो यार जल्दी जुगाड़ करते हैं हम कैमरा का और भाई मस्त मस्त व्लॉग बनाएंगे। एंड जिस किसी ने भाई अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आवाज़ तो अभी तो मोबाइल से बना रहा हूँ, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। और मेरे को गाड़ी के पास भी जल्दी जल्दी पहुँचना, आगे मैं व्लॉग नहीं करूँगा भाई, ठीक है। ट्रैफिक भी बहुत आ रहा है, मोबाइल छोड़ता हूँ एक बार। तो मैं तो गाइस तेल देने गया था मार्केट में, बता रहा था ना मैं कि वो गोप्रो वाला वो सिस्टम जल्दी सेट करेंगे, देखते हैं कब करेंगे। पर वो पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले थोड़े भी पैसे वो जो लगते हैं ना वो पैसे मेरे पास नहीं भाई। मोटो व्लॉगिंग होने लगी है ना, मज़ा आ जाएगा सच बता रहा हूँ। लोग का नेक्स्ट लेवल लोग, मैं फ्री में ही घूमने चला जाऊँगा बाइक लेकर, जरूरी नहीं है मेरे को काम होगा, ऐसे ही घूमने निकल जाऊँगा, बस मोटो व्लॉगिंग करने में मज़ा आया। सो पानी अभी तो गर्म हो रहा है और मूँगफली लेके मार्केट से वो खा रहा हूँ और पानी गर्म कर रहा हूँ, उसके बाद नहाऊँगा।